मुहावरा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। वैसे कांग्रेस की स्थिति भी यही है, जो बार बार सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस आला कमान के तमाम प्रयासों के बावजूद यहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की विचारधाराएं मेल नहीं खा रही है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वही पार्टी आला कमान लगातार दावे कर रहा है कि सुलह हो गई है, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे पर तंज कसना बंद नहीं किया है। वही 11 जून को सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया, तो बांसवाड़ा की सभा में अशोक गहलोत ने मानेसर कांड की याद दिला दी। अब सोचिए आला कमान की सुलह के दावे में कितना दम है, और आगे यही सवाल उठ रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कैसे आगामी चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा दौरे पर थे। महंगाई राहत पर बात करने के बाद आयोजित सभा में गहलोत ने मानेसर कांड का जिक्र किया और सरकार पर आए सियासी संकट की याद दिलाते हुए सचिन पायलट को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक रमीला खडिया के लिए लोग पैसे लेकर आ गए, कार की डिग्गी में पैसे भी रख दिया, लेकिन इस महिला ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया और कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। आपको याद होगा जुलाई 2020 में जब सरकार पर सियासी संकट आया था, तब दो निर्दलीय विधायकों द्वारा पैसे भेजे जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने दावा किया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं एक दूसरे के खिलाफ लगातार तंज कस रहे हैं। पिछले 3 साल में कई बार सुलह के दावे किए गए हैं, लेकिन दर्जनों बार गहलोत और पायलट एक दूसरे के खिलाफ तंज कस चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान द्वारा किए जा रहे दावों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। ये चुनावी साल है, आने वाले दिनों में कांग्रेस में और बड़ा बवंडर हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जहां बन नहीं रही है, तो कैसे एक साथ मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है कि क्या साथ मिलकर ये चुनाव अच्छे से लड़ पाएंगे, क्या दोबारा से राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।